हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी के बारे में। आज हमारा नया टॉपिक है पैरासाइटोलॉजी का। पैरासाइटोलॉजी के हम फर्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। तो जनरली हमारा क्या है, हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे पैरासाइटोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो पैरासाइटोलॉजी में हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पैरासाइट होते हैं जनरली वो होते क्या है। ठीक है, तो हम ये बता देते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना नरिशमेंट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। ठीक है, या लेते हैं, उसको हम जो बोलते हैं वो पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, और जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट की स्टडी को ही हम पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आज जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट को जनरली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक प्रोटोजोआ होता है और एक हेलमिंथ होता है। ठीक है, एक प्रोटोजोआ होता है और एक हेलमिंथ होता है। जो प्रोटोजोआ होता है, हम प्रोटोजोआ की स्टडी को बोलते हैं प्रोटोजूलॉजी, और जो हेलमिंथ होते हैं, हेलमिंथ की स्टडी को हम बोलते हैं हेलमिंथोलॉजी। ठीक है, ये दो पैरासाइट की ये दो ब्रांचेस होती है, प्रोटोजूलॉजी एंड हेलमिंथोलॉजी। तो प्रोटोजूलॉजी प्रोटोजोआ की स्टडी को बोलते हैं और हेलमिंथोलॉजी हेलमिंथ की स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो हेलमिंथ होते हैं वो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब अपन इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो इसकी हिस्ट्री किसने दी थी। तो हिस्ट्री जो है इसकी हमारे क्या है पैरासाइट की हिस्ट्री जो है एंटोनी वॉन लीवेनहुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1681 में इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और जो एंटोनी वॉन लीवेनहुक है, उन्होंने फर्स्टली सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी, और उन्होंने जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिक सॉरी जो एंटोनी वॉन लीवेनहुक है, उन्होंने जियार्डिया लेम्बलिया जो सैंपल है उसको भी स्टूल सैंपल के अंदर देखा था। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। जनरली पैरासाइट वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना जो नरिशमेंट होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो ये देखिए, इट इज़ अ स्टडी ऑफ पैरासाइट, देयर होस्ट एंड देयर रिलेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। मतलब जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट होते हैं वो अपना नरिशमेंट जो होता है, अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करने के लिए कैपेबल होते हैं। जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं और उसकी ग्रो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप के पैरासाइट जनरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पैरासाइट की बात करें तो इसमें हमारे टाइप्स दे लगे हैं। जनरली 5 टाइप के पैरासाइट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव पैरासाइट और एक्सीडेंटल पैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मींस क्या होता है, एक्टोपैरासाइट मतलब होता है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना पोषण है वो होस्ट की बॉडी सरफेस पर से प्राप्त करते हैं। मतलब एक्टोपैरासाइट जो होते हैं वो जो होस्ट होता है होस्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द पैरासाइट लिव ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म होस्ट। ठीक है, तो एक्टोपैरासाइट जो होते हैं ये होस्ट की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। एंडोपैरासाइट जो होते हैं ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट वह पैरासाइट होते हैं जो कि जिनको ग्रो करने के लिए ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऑब्लिगेट कल्चर मीडिया पढ़ते हैं जिससे ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए स्ट्रिक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फैकल्टेटिव पैरासाइट। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होता है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं जो कि इनको जब मौका मिलता है तब होस्ट की बॉडी पर अटैक करते हैं। उसके बाद होता है एक्सीडेंटल पैरासाइट। एक्सीडेंटल पैरासाइट क्या होते हैं, जो एक्सीडेंटल पैरासाइट मतलब एक्सीडेंट की कंडीशन में क्रोज होते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर आएंगे, मतलब एक्सीडेंटली होते हैं, अचानक से आते हैं आपकी बॉडी पर और डिसीज क्रोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आता है हमारा होस्ट। तो जनरली हम होस्ट के बारे में बात करते हैं कि होस्ट होते क्या, तो जो होस्ट होते हैं ना वो ऐसे पैरासाइट होते हैं जो अपना नरिशमेंट है एंड जो नरिशमेंट और उसका जो आवास होता है, उसका जो शेल्टर होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिज्म इन विच पैरासाइट इज कॉल्ड एज होस्ट। ठीक है, तो जो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैरासाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड जो
पैरासाइट को पोषण और आवास प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी को हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, जनरली क्या होता है होस्ट एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैरासाइट को नरिशमेंट एंड शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट जो होस्ट होते हैं जनरली बताया गया है कि होस्ट जनरली जो है हमारे 6 टाइप के होते हैं। डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, नेचुरल होस्ट होते हैं, उसके बाद पेरेंटिक होस्ट होते हैं, रिजर्वायर होस्ट एंड एक्सीडेंटल होस्ट। ये सारे होस्ट जो होते हैं वो एज अ पैरासाइट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द टर्म पैरासाइट इज यूजली अप्लाइड टू प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर हेलमिंथ मल्टी सेल्यूलर। अभी मैंने आपको वही बताया था कि जनरली जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट होता है प्रोटोजुलोजी, एक होता है हेलमिंथोलॉजी। तो प्रोटोजुलोजी मतलब होता है प्रोटोजोआ की स्टडी और हेलमिंथोलॉजी मतलब होता है हेलमिंथ की स्टडी। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ होते हैं जनरली हमारे जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं और जो हेलमिंथ होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहीं पर वही बात बताई गई है कि जो हमारे जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट में हमारा होता है प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक हेलमिंथ होता है जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं जनरली कौन कौन से पैरासाइट प्रेजेंट हैं। अभी हमने आपको बता भी दिया एक्टो पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट होता है, फ्री लिविंग पैरासाइट होता है। फ्री लिविंग पैरासाइट में हमारा आता है नेगलेरिया फॉलोरी जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, अभी हम उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। उसके बाद होता है ऑब्लिगेट एरोब्स एक्सीडेंटल पैरासाइट होता है, और एक एवरेंट पैरासाइट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे हम देख लेते हैं इंडो पैरासाइट क्या होते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते एक्टो पैरासाइट जो होते हैं होस्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं। होस्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है टिक्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। टिक्स मतलब जैसे कि एनिमल्स वगैरह में उनके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ना, जिसको बोलते हैं, जिसे गिचौड़ी बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम टिक्स बोलते हैं। और माइट्स भी इसका एक एग्जांपल है। तो माइट्स में क्या आता है जनरली, माइट्स में मतलब जो बारिश वगैरह होती है ना, बारिश में जो रेड रेड कलर की वो दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं गाय। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं माइट। ठीक है, और उसके बाद जो एक्टो पैरासाइट जो होते हैं क्या होते हैं, एक्टो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं तथा टिश्यू को पेनेट्रेट नहीं करते। क्या करते हैं, ये टिश्यू को पेनेट्रेट नहीं करते, विदाउट पेनेट्रेटिंग टिश्यू को पेनेट्रेट नहीं करते, उसको तोड़ के अंदर की ओर धंसते नहीं। ठीक है, और ये बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी का एग्जांपल है टिक्स, जैसे कि चोड़ी होती है वो बॉडी की सरफेस पर प्रेजेंट होती है, चिपकी भी रहती है, लेकिन जो हमारी बॉडी की सरफेस होती है उसको पेनेट्रेट नहीं करती और अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होती। माइट्स भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट जो होते हैं ये हमारे होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए हम इसको एंडो पैरासाइट बोलते हैं। एंडो पैरासाइट जो होते हैं इसका मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ। जो पैरासाइट होते हैं ये ह्यूमन डिसीज एंड एंडो पैरासाइटिक डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरल से नॉर्मल स्वीट लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि एंडो पैरासाइट क्या होते हैं। तो एंडो पैरासाइट जो होते हैं ये जो मन बॉडी होती है हमारी बॉडी, उसके अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं या इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो वो एंडो पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है हमारा प्रोटोजोआ और हेलमिंथ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ और हेलमिंथ इसके एग्जांपल है। फ्री लिविंग अमीबे क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट पैरासाइट होता है। फ्री लिविंग अमीबे को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट पैरासाइट। ठीक है, फर्स्ट हो गया एक्टो पैरासाइट है हमारा,
और एक है हमारा एंडोपेरासाइट। थर्ड क्या है, फ्री लिविंग पेरासाइट। फ्री लिविंग पेरासाइट जो कि नॉन पेरासाइटिक स्टेज होती है, फ्री लिविंग पेरासाइट की नॉन पेरासाइटिक स्टेज होती है जो कि इंडिपेंडेंट पेरासाइट होते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा निकलेरिया फॉलोरियम। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बात करते हैं एंडोपेरासाइट के कुछ ग्रुप में कैल्सिफाइड किया गया है। उसके क्लासिफिकेशन में ऑब्लिगेट पेरासाइट, फैकल्टेटिव पेरासाइट, एक्सीडेंटल पेरासाइट, अबंडेंट पेरासाइट। ठीक है, इन पेरासाइट के बारे में हमने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, जनरली ऑब्लिगेट पेरासाइट क्या होते हैं, तो ऑब्लिगेट पेरासाइट बता देती हूँ मैं। द पेरासाइट विच कैन नॉट एग्जिट विद आउट अ होस्ट दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्टी एंड प्लाज्मोडियम। जनरली क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पेरासाइट जो होते हैं या होस्ट की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। ऑब्लिगेट पेरासाइट मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट पेरासाइट जब ग्रो करेगा तो किसकी प्रेजेंस में करेगा, ये होस्ट की प्रेजेंस में ग्रो करता है। होस्ट की प्रेजेंस के बिना ये ग्रो नहीं कर सकते। कैन नॉट एग्जिट विदाउट होस्ट मतलब होस्ट की प्रेजेंस के बिना ग्रो नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्टी और प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आता है हमारा फैकल्टेटिव पेरासाइट। फैकल्टेटिव पेरासाइट क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म विच मे आइदर लाइव एज अ पेरासाइट फ्रॉम एज फ्री लिविंग फ्रॉम निकलेरिया फॉलोरियम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फैकल्टेटिव पेरासाइट वह पेरासाइट होते हैं जो कि होस्ट की प्रेजेंस के में और अथवा होस्ट के प्रेजेंस में और होस्ट की अब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। फैकल्टेटिव पेरासाइट वह पेरासाइट होते हैं जो कि होस्ट की प्रेजेंस में और होस्ट की अब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा पेरासाइट को हम फैकल्टेटिव पेरासाइट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है निकलेरिया फॉलेरी। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सीडेंटल पेरासाइट। एक्सीडेंटल पेरासाइट जो है, एक्सीडेंटल पेरासाइट क्या होते हैं, इसमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्सीडेंटल पेरासाइट कहाँ पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, यूजुअली होस्ट के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूजुअली होस्ट के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम एक्सीडेंटल पेरासाइट बोलते हैं, जो कि एक्सीडेंटली क्वेज होते हैं। जैसे कि इकाइनोकोकस ग्रैन्यूलोसा। ठीक है, ये इकाइनोकोकस ग्रैन्यूलोसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हाइटेटी सिस्ट जो होती है उसको वो डिसीज क्वेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इकाइनोकोकस ग्रैन्यूलोसा बीमारी हाइटेटी सिस्ट कैसे होती है, ये डॉग्स के कॉन्टेक्स्ट में आने से होती है। ठीक है, जनरली क्या होती है, डॉग्स के अंदर इन्फेक्शन ग्रोथ होता है। आजकल सभी के पास डॉग्स में डॉग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सभी पालते हैं डॉग्स को। ठीक है, तो फैशन हो गया, जिन लोग के पास डॉग्स प्रेजेंट होते हैं डॉग उनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो डॉग्स ओपन विंग के अंदर इन्फेक्शन क्रॉस करता है। उसके बाद आता है एबरेंट पैरासाइट। एबरेंट पैरासाइट क्या होता है, इन्फेक्ट इसमें देखते हैं अपन, इन्फेक्ट होस्ट दे कैन नॉट डेवलप्ड फर्दर। तो एबरेंट पैरासाइट जो होते हैं वो कैन नॉट डेवलप्ड होते हैं, यहाँ प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है हमारा टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्टी। टॉक्सोप्लाज्मा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है होस्ट। तो होस्ट क्या होते हैं, होस्ट हमने आपको अभी बताया है कि होस्ट एक ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि जो एनिमल्स की बॉडीज़ होती है उससे नरिशमेंट एंड शेल्टर मतलब कि आवास पोषण और आवास प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होस्ट कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। डेफिनेटिव होस्ट होता है हमारा फर्स्ट। डेफिनेटिव होस्ट के बाद क्या आता है हमारा, एक इंटरमीडिएट होस्ट आता है, पेरेंटिक होस्ट आता है, रिजर्वायर होस्ट और एक्सीडेंटल होस्ट। ठीक है, जो पैरासाइट है, पैरासाइट को जनरली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पैरासाइट में प्रोटोजोआ होता है और एक हेलमिंथ होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेल्युलर होता है, इसका किंगडम होता है प्रोटिस्टा, और हेलमिंथ जो होता है वो मल्टी सेल्युलर होता है जिसका किंगडम्स होता है एनिमेलिया। देन जो हमारे प्रोटोजोआज होते हैं, प्रोटोजोआज को जनरली फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अमीबी, फ्लैजेलेट, स्पोरोजोइट और सीलेट। ठीक है, अमीबा कौन से होते हैं, एंटामीबा निकलेरिया होता है, फ्लैजेलेट जियार्डिया एंड ट्राइकोमोनास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पोरोजोइट होते हैं प्लाज्मोडियम, बेबेसिया एंड टॉक्सोप्लाज्मा। देन सीलेटेड होते हैं बेलांटिडियम।
उसके बाद आता है हमारा हेलमेंट। हेलमेंट को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, तो हेलमेंट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होता है हमारा नेमेटोड, सिस्टोड एंड ट्रेमेटोड। नेमेटोड का एग्जांपल है एस्केरिस एनसाइक्लोस्टोमा। सिस्टोड में आता है टीनिया इकाइनोकोकस, और उसके बाद ट्रेमेटोड में आता है फेसिकुलस सिस्टोसोमा। ये हमारे फ्लो चार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, हेलमेंट कौन से होते हैं, ठीक है, एमीबी, फ्लैजिला, सीलेट, स्पोरोचेट कौन कौन से, उनके एग्जांपल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इससे इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप आराम से समझ सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पैरासाइट हमें उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।